नागपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 18,59,180 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर शातिर सेंधमारी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। इस मामले में और भी मामले उजागर होने की संभावना नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान जताई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते सेंधमारी के मामलों को देखते हुए स्थानीय गुन्हे शाखा नागपुर ग्रामीण की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर नागपुर और मध्य प्रदेश में चोरी करने वाले 50 से अधिक शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आशंका जताई जा रही है कि और भी आरोपी इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शहबाज और जुबैल दिन में बंद घर में जाते थे और 15 से 20 मिनट में चोरी कर लेते थे। ये दोनों चोर चोरी कर चोरी का माल सलाउद्दीन के पास लेकर आते थे। सलाउद्दीन, सुनार, योगेश, श्रीरंग को साथ लेकर चोरी के माल का निस्तारण करते थे। नागपुर ग्रामीण पुलिस की यूनिट के एलसीबी की टीम ने पिछले 3 महीनों से जो डे टाइम में दिन के दिवस के टाइम में जो घरफोड़िया हो रही थी उसके अंडर में जो है 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी क्रमांक 1 मोहम्मद शहबाज उर्फ घुंगरू और आरोपी क्रमांक 2 मोहम्मद जुबेल उर्फ जाबिर। ये 2 आरोपी जो है दिन के टाइम में घरफोड़ियों का प्रमाण करते थे और इन दोनों से जो है अभी तक जो माहिती हमने निकाली है उसके हिसाब से 21 गुने जो है निष्पन्न हुए हैं, जिसमें से 16 गुने जो है नागपुर ग्रामीण के हैं, बाकी वर्धा जिले के और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के हैं। और जो मुद्देमाल अभी तक हमने जब्त किया है उस हिसाब से जो चोरी किया गया माल है उसमें से 31 तुला 1 ग्राम का सोना, मतलब 31 तुला और 1 ग्राम का सोना जो है रिकवर किया है। और चोरी में यूज़ करने वाले जो मुद्देमाल है उसका एकुन कीमत मिला के 18,70,000 का जो है मुद्देमाल अभी तक रिकवर किया है। साथ में 2 आरोपी के अलावा 2 और आरोपियों को भी निष्पन्न किया है और उनको भी हमने अटक किया है, जो कि चोरी किया गया जो सोना है उसको बेचने में जो है मेन आरोपियों को मदद करते हैं। ग्रामीण पुलिस ने इस गिरोह से नागपुर जिले में 17, वर्धा में 3 और मध्य प्रदेश में 1 चोरी की बात कबूल की है और इस मामले में अब तक 21 अपराधों का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरोह के पास से 18 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया है। आगे भी इस मामले की जांच शुरू होने की बात विशाल आनंद द्वारा कही गई है। NBCN न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।